मूंगफली का दाना, ये बहुत चाव से खाता है। देखिए मूंगफली है ना और चना। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं देख रहे हैं आप लोग, मैं अपने फार्म के लिए एक ब्रीडर लाया हूँ, 7 महीने का भी ये बच्चा है। और इसलिए मैंने 7 महीने के लिया इसको, क्योंकि इसको मैं अपने खिलाकर तैयार कर सकूँ। और इसको मैं क्या खिला रहा हूँ ग्रोथ के लिए, मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये देखिए, पास से दिखाइए, थोड़ा देख सकते हैं आप, कान इसका देखिए बिल्कुल रॉकेट की तरफ खड़ा, ठीक है ना। और एक चीज़ देखिए, बाल बिल्कुल नहीं है, पीछे से आप देखेंगे तो बिल्कुल चिकना, बिल्कुल बिल्कुल बाल नहीं है। और ये थोड़े बहुत जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये सभी अभी ग्रोथ में जब आएगा तो आप देख रहे हैं, ये भी बाल जो ऊपर है वो सभी झड़ कर छोटे छोटे हो जाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा बाल दिख रहे हैं ये नहीं रहेंगे, सब छोटे हो जाएंगे। और देखिए तब भी बहुत हद तक ये प्योर है, समझिए। दोनों टेस्टिकल को हमको देखना रहता है कि टेस्टिकल दोनों बड़े हैं, बराबर हैं कि नहीं, बड़े होने चाहिए टेस्टिकल। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि दोनों इसके टेस्टिकल जो हैं, पंकज दिखाइए, ये ब्रीडर में क्या क्या खास होनी चाहिए। देखिए दोनों टेस्टिकल बिल्कुल बराबर हैं, पीछे बाल नहीं है, तो बर्बरी की मेन पहचान नहीं है। और 2-3 चीज़ें हैं जो देखिए इस फ्रंट में, आप देखिए मुंह वाला एरिया जो है ना, यह बादामी रहेगा, दोनों आँख मैंने बताया था आपको बादामी रहेगा, और कान जो है दोनों बादामी रहेंगे, देखिए आगे से बिल्कुल ठीक। तो ब्रीडर मैं छोटा जानबूझकर, कई लोग कहेंगे कि बड़ा लाना चाहिए था सर आपको, लेकिन नहीं, मुझे अपने हिसाब से इसको तैयार करना है। तो हम लोग क्या खिला रहे हैं इसको, देखिए बकवत के लिए हम लोग 2 चीज़ें दे रहे हैं इसमें फिलहाल। एक या मूंगफली दिखाइए, पास से दिखाइए, मूंगफली हम खिला रहे हैं। ख़त्म हो गया तभी गए थे हम लोग मार्केट लाए, तो क्यों ना कहें कि हम, क्यों ना आप लोगों को भी बताएं। ये देख रहे हैं आप, मूंगफली है, मूंगफली का दाना, ये बहुत चाव से खाता है। देखिए मूंगफली है ना और चना, यहाँ देख सकते हैं आप चना है ठीक। इसके लिए स्पेशल लाया गया है दोनों, और इसी को हम लोग अभी 3 दिन हुआ बकरे को इतना चना देते हैं हम लोग सुबह में, और इतना ही शाम को भी, दोनों टाइम चना और मूंगफली खिलाते हैं। और इससे अगर यह आप डाइट देते हैं ना बकरे को, तो आपका बकरा 100% बिल्कुल ग्रोथ में आएगा, और इससे ग्रोथ में कोई कमी नहीं होगी, ठीक ना। तो सुबह शाम धीरे धीरे आप उसको दाने की जो डाइट है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग कम ही दे रहे हैं, देखिए आप इसको, देखिए पंकज जी देखिए कितना चाव सो खा रहा है, सभी एक एक बीत कर, सुबह में भी एक एक मुट्ठी दोनों में से, शाम को भी एक एक मुट्ठी हम लोग खिलाते हैं। इससे होगा कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और आप भी अगर देखिए जो मूंगफली होता है, आप इसको देखिए, जो मूंगफली होता है मूंगफली में फैट प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक ना। बादाम माना जाता है इसको, छोटा मोटा बादाम भी है एक तरह का, तो बहुत फायदेमंद होता है। चना में भी जानते हैं प्रोटीन होता है, दो दाल वाले दोनों, ये भी दो दाल का है, देखिए चना भी दो दाल होता है, इसका भी जो ऊपर से आप खोला उतारेंगे, देखिए मैंने बताया था ना दो दाल वाले में प्रोटीन पाया जाए, देखिए दो दाल है यार, दो टुकड़ों में वो अलग अलग हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो यही आपको डाइट फॉलो करना है, इससे बकरे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में दाना मिश्रण तो देना है, जो मैंने दाना मिश्रण आपको बताया वो सभी चीज़ें देनी है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ हरा चारा काट कर रखा है, तो हरा चारा भी खिलाते हैं, पेड़ की पत्तियाँ भी तोड़कर कभी काल डाल देते हैं, और साथ में इसको चना और मूंगफली को खिलाने से इसका ग्रोथ बहुत तेज़ बढ़ेगा। और सभी लोग, आप लोग इसको खिलाइएगा,